दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्र में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे पेन स्टॉक की जिसकी जो तमाम इश्यूज थे, तमाम प्रॉब्लम थे, आप कह सकते हैं कि अब वो सॉल्व होते शायद दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से एक बड़ी तेज़ी, एक बड़ा ब्रेकआउट शायद आपको होते हुए दिखाई देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई बड़ी गिरावट या कोई आप कह सकते हैं है, एक कह सकते हैं कोई भी एक आप कोई भी ख़राब न्यूज़ आना बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। तमाम जो इश्यूज़ है शेयर प्राइस में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, ऐसा क्यों लग रहा है और यहाँ से कौन से वो लेवल्स हैं, अगर टूटते हैं तो एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए इंडिगो पेंट्स लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों स्टॉक का नाम है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड और आप देखेंगे आज भी लगभग 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी हुई है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीनों में ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी स्टॉक करेंटली 33 पर टूट चुका है और एक समय में ये गिरावट बढ़ के लगभग 40% के आसपास थी दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी ये है इंडिगो के साथ प्रॉब्लम, या कह सकते पॉजिटिव कहना चाहिए, तमाम नेगेटिविटी जो आप कह सकते इश्यूज थे, चाहे वो महंगे वैल्यूएशन हो गए, दूसरा रॉ मटेरियल का महंगा होना, ठीक है, तीसरा आप कह सकते हैं जो कंपटीशन है, कंपटीशन किससे दोस्तों, आपको याद होगा जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे आपको बता दूं मैं JSW आ रहे हैं, JSW पेंट अपना अलग से पेंट लेके आएगा, ग्रासिम का हम सबको पता ही है दोस्तों, इसके साथ साथ JKB सीमेंट में आ रहा है, एस्ट्रल ने भी आप कह सकते हैं कुछ खरीदारी की है, आप कह सकते हैं कुछ बात कुछ स्टेक खरीदा है पेंट इंडस्ट्री में, तो ये तमाम प्लेयर्स लगातार आएंगे। और देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करने वाला है वो कौन है, वो मुझे लगता है दोस्तों छोटी कंपनीज होगी और इसीलिए इंडिगो पेंट्स में सबसे ज़्यादा इश्यू, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन वो तमाम निगेटिविटी, वो तमाम जो प्रॉब्लम्स थी अब इस स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों, जी हाँ तमाम इश्यूज जो हैं अब इस स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं और यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट मुझे दिखाई नहीं देती दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि कौन सी वॉल्यूम जहाँ पर तेज़ी होगी तो देखिए अब 1090 से लेकर के ना आप कह सकते हैं 1110 जो है, ये जो 20 रुपये है, जब तक स्टॉक इसे तोड़ करके ऊपर सस्टेन नहीं करता 2-3 दिन, तब तक कोई भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी हो ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। हाँ आने वाले समय में दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, आने वाले समय आपको पता होगा Q4 के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो उसके पहले अगर स्टॉक में तेज़ी होती है और अगर नंबर थोड़े ख़राब आते हैं तो वापस से एक गिरावट के सिलसिले देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए अभी इंडिगो पेंट में हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है। हाँ 990 ये जो लेवल है ना दोस्तों इंडिगो पेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार ये स्टॉक 2 बार यहाँ से इसके आसपास से एक बहुत ही शानदार सपोर्ट लेकर के बाउंस कर चुका है, तो ये तमाम चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे लगता है कि जो इंडिगो पेंट है दोस्तों उसमें अगर आपका नज़रिया मुझे लगता है 2-3 साल का है तो कोई बहुत बड़े निवेश के बजाय इन स्तरों पे हमें SIP मोड में निवेश करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए मैं कहूँगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं प्लीज़ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिएगा। और पूरी की पूरी पेंट इंडस्ट्री दोस्तों थोड़े समय तक प्रेशर में रहने की बात कह रही है, लेकिन अब वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं, तो यहाँ से 990 का जो लेवल है उसे स्टॉप लॉस लगा करके आप कुछ काम कर सकते हैं दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।